दोस्तों आ गई है आपकी चुगली वाली चाची। चुगली वाली चाची आई, बड़ी बड़ी है चुगलियाला। चुगली वाली चाची आई, बड़ी बड़ी है चुगलियाला। चुगली वाली चाची आई, बड़ी बड़ी है चुगलियाला। दोस्तों आज आपकी चुगली वाली चाची चुगली लाई है आपके फेवरेट राधा कृष्ण के सेट से, जहाँ पर कृष्ण की राधा है और राधा के कृष्ण है, यानी कि दोस्तों सुमेध और मल्लिका। जहाँ पर बात कर रहे हैं सुमेध और मल्लिका की, यानी कि उन्होंने मनाया, उन्होंने कैसे मनाया दोस्तों, मकर संक्रांति का त्यौहार। मकर संक्रांति जो है तिल और गुड़ के बने लड्डुओं का त्यौहार। मकर संक्रांति यानी पतंगों का त्यौहार, यानी कि खुशहाली का त्यौहार। हाँ दोस्तों, यानी कि साल के शुरू होते ही पहला त्यौहार। कैसे मनाया दोस्तों, आपके सुमेध ने मल्लिका संग पतंगों का त्यौहार। तो दोस्तों सबसे पहले तो सुमेध और मल्लिका गए। आप लोगों को पता है सुमेध और मल्लिका की शूटिंग कहाँ होती है? सुमेध और मल्लिका की शूटिंग होती है, यानी कि राधा कृष्ण की शूटिंग होती है आम गांव उमरगांव में, जो है दोस्तों गुजरात के एक छोटे से गांव। वहां पर आप सब लोगों को पता ही है कि गुजरात में मकर संक्रांति कितनी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। वैसे तो सब जगह ही मकर संक्रांति बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, चाहे वो जयपुर हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, पर गुजरात में मकर संक्रांति का बहुत ही महत्व होता है दोस्तों। और जब इनकी शूटिंग गुजरात के एक छोटे से गांव में होती है और पूरे राधा कृष्ण की टीम वहीं शूट करती है, तो ये भी अपने आप को इस त्यौहार से परे कैसे रख सकते हैं दोस्तों। तो राधा कृष्ण यानी कि आपकी राधा यानी कि मल्लिका और आपके कृष्ण यानी कि सुमेध, इन दोनों भी अपने आप को मकर संक्रांति से अछूता नहीं रख पाए दोस्तों। तो मकर संक्रांति मनाने के लिए शूटिंग से बचे हुए कुछ टाइम से ये दोनों अपना कुछ समय निकाल कर शूटिंग में, जब इनकी शूटिंग से ब्रेक लेकर ये दोनों भी मनाने पहुंच गए मकर संक्रांति का त्यौहार। और मकर संक्रांति का त्यौहार मनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो सुमेध ने पहन रखा था क्रीम कलर की शेरवानी, जिसमें सुमेध बहुत ही हैंडसम, बहुत ही डैशिंग, बहुत ही गुड लुकिंग लग रहे थे। और दोस्तों मल्लिका ने पहन रखा था ब्लू कलर का जंपसूट, जिसमें वाइट लाइंस भी थी। मल्लिका भी दोस्तों बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही प्रीटी और बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग लग रही थी। और दोस्तों ये दोनों अपने ही सेट पर पहुंचे पतंग शूटिंग से ब्रेक लेकर कुछ समय का पतंग उड़ाने। तो दोस्तों सुमेध और मल्लिका ने अपना मकर संक्रांति का त्यौहार कैसे मनाया ये मैं आपको बताती हूँ, जानिए आप लोग। तो सबसे पहले सुमेध ने पीले अपनी एक येलो पतंग यानी कि पीले कलर की पतंग में तंग बांधे, और मल्लिका जब सुमेध उस पतंग में तंग बांध रहे थे तो मल्लिका भी बड़े ध्यान से सुमेध को देख रही थी, माना कि वो भी पतंग में तंग बांधना सीख रही हो। हाँ दोस्तों, तो येलो काइट में सबसे पहले तो सुमेध ने पतंग में तंग बांधे, फिर दोस्तों सुमेध ने पतंग को बहुत ही ऊँची उड़ान दी, और बहुत ही ऊँची उड़ाई उन्होंने पतंग, और उसमें उनका साथ दिया उनकी राधा ने यानी मल्लिका ने। जब पतंग ऊंची उड़ी थी तो उस मल्लिका ने उनकी पकड़ रखी थी, उनकी फिरकी यानी कि उनकी चक्री, और सुमेध ने पतंग को काफ़ी ऊंचा आसमानों में उड़ाया, जैसे एक पंछी उड़ता है। फिर दोस्तों जब पतंग ऊंची उड़ी और फिर उसके बाद मल्लिका ने भी थामी उस पतंग की डोर, और मल्लिका ने भी उस पतंग को काफ़ी ऊंचा उड़ाया और काफ़ी एंजॉय किया। तो दोस्तों तिल और गुड़ के लड्डू खाकर और शूटिंग से ब्रेक लेकर पतंग उड़ाकर आपके सुमेध आपकी मल्लिका ने ऐसे मनाया पतंगों का त्यौहार राधा कृष्ण के स्टाइल में। तो दोस्तों आपको और भी सेलिब्रिटीज़ की जान